बाई बर्थ कुछ इम्प्रिंटेड था अल्लाह ताला की तरफ से कि मुझे पढ़ाने का शौक। पाकिस्तान में मैंने जब काम शुरू किया था तो सोशल वर्क हाईली अप्रिशिएट होता था। मैंने जब कुआं बनाया तो सारे गांव ने मुझे वो रिसेप्शन दी जैसे फादर ऑफ द नेशन को देते हैं। जब मैं लाहौर में मूव हुआ तब मैं लाहौर में एमयू कॉलेज में एफएससी का स्टूडेंट था। न्यूयॉर्क पहुँचने से पहले पहले भी मैंने दुनिया की पैदल सैर की बहुत सारी, 22-23 मुल्क मेरे एक साथी के साथ हम लोग घूमे। बच्चे ने गिलास उठा के ले गया, एक टेबल पे दूसरी टेबल पे रखा है। इस सक्सेस को लॉक करो, कैसे करें, ताली बजाओ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाज़रीन, बहुत कम ऐसे होता है कि प्रोग्राम में आपके कोई इल्मी शख्सियत आई हो और आप उससे इल्म और रूहानियत पे बात करें और वो कैफियत ना बने जो एक कैफियत बननी चाहिए। तो आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, प्रोफेसर मोहम्मद सकलैन मलिक साहब, ये बुनियादी तौर पे तो एक एजुकेशनिस्ट हैं लेकिन स्पिरिचुअली भी ये कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं। हम आज इस इंटरव्यू में इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि स्पिरिचुअलिटी को ये कैसे देखते हैं और पाकिस्तान में जो हमारा एक एजुकेशन सिस्टम है उसके मसाइल क्या हैं और इन मसाइल को कैसे हल किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम अली भाई, बहुत ही मशहूर हूँ आपने बुलाया मुझे बात करने के लिए। सर, मैं आगाज़ यहाँ से करूँगा कि आप माशाल्लाह कई बरसों से जो है वो शोबा तालीम और तदरीस से वाबस्ता हैं, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा तालीम के शोबे में और आपने कब सोचा कि आपने एक टीचर बनना है, एजुकेशनिस्ट बनना है और फिर इसके बाद आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ क्यों गए? अली भाई, किस्सा यूँ है कि मैं चूँकि एक ऐसे ख़ानदान में पैदा हुआ जिसमें पहला बच्चा था मैं, लाड प्यार मामा फूफा चाची ताया उनसे लगा, तो वो मोहब्बत के जमजमे मुझे वहाँ से मिले और वहाँ से पॉजिटिविटी मिली, तालीम हासिल करने लगा। तो बाई बर्थ कुछ इम्प्रिंटेड था अल्लाह ताला की तरफ से कि मुझे पढ़ाने का शौक़ हुआ। पाँचवीं छठी जमात से मैंने अपने साथियों को पढ़ाना शुरू किया। पढ़ाते पढ़ाते मैं जब लाहौर मूव हुआ तो यहाँ भी मैंने पढ़ाने का सिलसिला किया अपने आप को सपोर्ट करने के लिए, हती कि मैं तदरीस में चला गया। वाकेंट मैं फेडरल गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाने लग गया। वाकेंट से जब मैं निकला हूँ तो मेरे ज़िंदगी के सफ़र में अगला सफ़र यह था कि मैं अलजायर गया। अलजायर में प्रोफेसर रहा, उनकी एजुकेशनल जो एक्टिविटीज़ थी बुक क्रिएशन की और जो करिकुलम्स थे उसमें मेरी मदद शामिल थी उनके यहाँ। वहाँ से मैं कुछ दिनों के लिए, चूँकि अलजायर से फ्रांस पेरिस आना जाना आसान था तो वहाँ गया। फ्रांस मुझे अच्छा लगा, मैं अपने आप को 5 साल फ्रांस में उस कल्चर को समझने के लिए मैंने एक छोटा सा कारोबार शुरू किया और सोशल वर्क शुरू किया और लिटरेसी से जो फ्रेंच फेस ऑफ लिटरेची है उनका डिफरेंट है यूरोप वालों से, वो और तरीके से करते हैं, लखनऊ की तरह के लोग हैं। तो वहाँ मैंने सोशल वेलफेयर किया, हत्ता कि फिर मैं जो है नॉर्थ अमेरिका मूव हो गया। नॉर्थ अमेरिका पहुँचते ही मैंने एक टीवी स्टेशन का इजरा किया और उसके साथ सोशल वेलफेयर शुरू कर ले। और ये बात चलते चलते जो हादसा हुआ बड़ा 9/11 का या वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का, वो जब हुआ तो बहुत ही शदीद ज़रूरत इस बात की पड़ गई कि हमारी जो कम्युनिटी अंडर डिप्रेशन थी उनको हेल्प आउट किया जाए। तो मैंने वहाँ पे फिर कंप्यूटर ट्रेनिंग कॉलेज खोला और जो लोग टैक्सियों पे काम करते थे, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, इकोनॉमिस्ट, उनको घेर घार के लेके उनको पढ़ाते थे। वो आजकल बहुत अच्छी जॉबों पे ये कर रहे हैं। तो यूँ समझें कि तालीम ऐसे थी जैसे मुझे ये करना ही है। ये चलते चलते फिर मेरी कनेक्टिविटी हो गई पाकिस्तान से। मेरा ताल्लुक गुजरहान के एक गांव आदरा कलां से है, मैंने वहाँ पे पहला इदारा खोला सोशल वेलफेयर का एजुकेशन के हवाले से। वरना मैं अपने गाँव में पहले वर्ल्ड टूर के बाद जो है वहाँ एक सोशल वेलफेयर खोली, उसमें कुएँ, अस्पताल, बच्चों की तरबियत, लाइब्रेरी, ये सारी चीज़ें कायम की मैंने। वो इदारा जो खोला वहाँ पे आदरा कलान गुजर खान में, तो वहाँ से हमने ये एक्सपेरिमेंटेशन की कि कोई बच्चा किसी उम्र में कोई भी चीज़ सीख सकता है। सही। मैंने क्लास का ये एक्सपेरिमेंट किया कि एक बच्चा तीसरे ग्रेड में, पांचवें ग्रेड में और सातवें ग्रेड में, वो एक ही क्लास में मेरे साथ बैठते थे। बेशतर सूरतों में
थर्ड ग्रेड वाला बच्चा जो है वो अपर ग्रेड वाले बच्चों से बेहतर करता था। सही। इस बात को बढ़ाते बढ़ाते हम लोगों ने, मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारे दोस्तों की, आई वॉज पार्ट ऑफ इट, ह्यूमैनिटी सर्विस, उनके साथ एजुकेशन सेक्शन का चार्ज लिया और उसके बाद हम लोग गुजरांवाला, सियालकोट, खुशाब, चीचावतनी, लाहौर में, हम लोगों ने अल्फला वेलफेयर के साथ जो है ज्वाइन किया और उनके साथ मिलके एजुकेट पाकिस्तान वेबसाइट के ज़रिए हम लोग जो है आइंदा आने वाले बच्चों के लिए मटेरियल तैयार करें। ये मेरा सफ़र एजुकेशनल था। सर मुझे ये बताइएगा कि आपने पाकिस्तान में भी सोशल वर्क किया है और अमेरिका में भी, तो क्या आपको डिफरेंस महसूस हुआ वहाँ पे काम करने में, सोशल वर्क करने में और यहाँ पे काम करने में? अली भाई, जब पाकिस्तान में मैंने जब काम शुरू किया था तो सोशल वर्क हाईली अप्रिशिएट होता था। मैंने जब कुआं बनाया तो सारे गांव ने मुझे वो रिसेप्शन दी जैसे फादर ऑफ द नेशन को देते हैं। एक मामूली आदमी को वो रिसेप्शन मिलना बहुत अच्छा था। ये काम जारी रहा था कि मैंने मुल्क छोड़ दिया। जब मैं मुल्क में वापस आया तो कुछ ऐसा बदल चुका था कि जब मैं यहाँ हेल्प करना चाहता हूँ वो हेल्प लेते हैं और मेरी पीठ पीछे मालूम होता है, उन्होंने कहा कि इसका कोई लालच होगा। कुछ तब्दीली नफ्सियाती ऐसी आई है कि जो अप्रिसिएशन का लेवल है उसकी सच्चाई कहीं खो गई है। मुझे नहीं मालूम कहाँ खो गई है, लेकिन उसकी सच्चाई खो गई है कि मैं हेल्प करता हूँ लेकिन मालूम होता है कि ये हेल्प जो ये कर रहा है इसके पीछे लोग थोड़े से जजमेंटल हो गए हैं कि पता नहीं क्या वजह है, क्यों ऐसे है, या वो ये है कि वो कहते हैं ना सांप के डसे हुए हो गए, मैं भी ऐसा भी होता है, ये भी होता। या दूध के जले हुए हो गए। यानी मैं ये नहीं कह रहा उनमें खामी आई है, मैं ये कह रहा हूँ वक्त में कुछ ऐसी तब्दीली आई है कि अप्रिसिएशन नहीं हुई। लेकिन मैंने कुछ लोगों को काम करते देखा है जो अप्रिसिएशन के उस लेवल पे चले गए हैं जहाँ पे उनका काम भी अप्रिशिएट हुआ और लोग भी बहुत आगे बढ़े। सर स्पिरिचुअल जर्नी आपका कब और कैसे शुरू हुआ? आप मेडिटेशन लोगों को सिखाते भी हैं, आपने ये सीखी भी, तो ये इस सफ़र का आगाज़ कब और कैसे हुआ? असल में अली भाई, जब मैं लाहौर में मूव हुआ तब मैं लाहौर में एमयू कॉलेज में एफएससी का स्टूडेंट था, अकेला था, तगोदो करनी पड़ती थी, तो मुझे कोई ऐसा मीडिया चाहिए था जहाँ सुकून मिले। तो आप शायद मुझे मदद कर सकें कि जिना बाग जो है उसकी लाइब्रेरी के सामने बरगद के दरख्त हैं जिन पे चमगादड़ें लटकी होती हैं, वहाँ एक जो है बहुत ही किसी बुज़ुर्ग की का मकबरा था। तुर्त मुराद शाह साहब? जी, तुर्त मुराद शाह, एग्जैक्टली तुर्त मुराद शाह साहब का मकबरा था जहाँ जुमेरात को कवाली हुआ करते थे। अच्छा। उस कवाली में मुझ पे कैफियत आती थी, वो कैफियत मुझे पुरसकून कर देती थी और मेरा जो इंटरनल विजुअल्स है ना, मेरे दिमाग के देखने की सलाहियत बहुत क्लियर होनी शुरू हुई, जिससे मुझे हिम्मत बहुत हुई तालीम हासिल करने का। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था। सर इस जर्नी में आपकी इंस्पायरेशन कौन लोग रहे? इस जर्नी में वो हुआ ये कि वो गुलाम जलानी बर्क साहब का नाम आपने सुना होगा, एक कुरान एक किताब इस तरह उन्होंने लिखा था और वो प्रोफेसर थे, उनका ताल्लुक अटक, आजकल जिसे अटक कहते हैं उस जमाने कमलपुर कहते थे। तो जब मैं फेडरल गवर्नमेंट कॉलेज वहाँ में पढ़ाने लगा तो वो मुहर्रम में या इस तरह के जो मुख्तलिफ फंक्शंस होते थे उन्हें तशरीफ़ लाते थे और वो तकरीर करते थे। उनकी तकरीर को सुन के मुझे एहसास होता था कि ये लफ्ज़ जो अल्फाज ये गुलाम जलानी बर्क साहब जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं ना, दे आर प्रोफेटिक, यानी वो लफ्ज़ छोटे कीमती बहुत क्लियर करने वाले थे। वहाँ से मुझे पहला टच ये मिला कि आदमी का शऊर वहाँ तक जा सकता है जहाँ वो शौरी सतों को अबूर करके दूसरी तरफ कुछ देखना शुरू करता है। ये पहला मीडिया था मेरा, पहले मेरे वो मेंटोर समझ लेते। सर आप अभी करंटली क्या क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं स्पिरिचुअलिटी की के कॉन्टेक्स्ट में, क्या क्या काम कर रहे हैं आप अभी? अली भाई थोड़ी इसमें तफसील आपको बताऊंगा हल्की सी। वो यूँ है कि जब मैं वहाँ पहुँचा न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क पहुँचने से पहले पहले भी मैंने दुनिया की पैदल सैर की बहुत सारी, 22-23 मुल्क मेरे एक साथी के साथ हम लोग घूमे और जितना नॉर्दर्न एरिया पैदल हम लोगों ने किया ना, तो उससे ये हुआ कि नेचर से कनेक्टिविटी होगी, नेचर से दोस्ती होगी, नेचर मुझे हेल्प करने लग गए। जब मैं
अलजायर पहुंचा तो वहाँ का मुस्लिम एटमॉस्फेयर ज़रा डिफरेंट था। जब मैं फ़्रांस पहुंचा तो वहाँ का सूफ़ी मुख्तलिफ था, जो मेरे लिए एक बहुत बड़ा तजर्बा था। इसके बाद जब मैं न्यूयॉर्क पहुँचा हूँ तो न्यूयॉर्क एक ऐसी दुनिया है जो इस वक्त एक गढ़ है, बुराई से लेके अच्छाई तक, यानी आप दुनियादारी से लेके रूहानियत तक, वहाँ पे आपको एक से एक आदमी ऐसा मिलेगा आप कहेंगे ही इज़ द मेंटर। मैंने एक किताब पढ़ी होज़े सिल्वा की, होज़े सिल्वा का बहुत वर्क है माइंड डेवलपमेंट पे, उसको पढ़ा और मैंने एक्सपेरिमेंटेशन शुरू कर दी अपने बच्चों पे, तालीमी इदारे बनाने शुरू किए अपने बच्चों पे, होज़े सिल्वा की मेथडोलॉजी अप्लाई करनी शुरू कर दी। मेथडोलॉजी क्या है कि जहन को पुरसकून कैसे करते हैं, उसके चंद टूल्स हैं, उसकी चंद एक्सरसाइज हैं। बच्चे जब पुरसकून हो जाते हैं, जब हम उनको पढ़ाते हैं तो उनके लिए पढ़ना बहुत आसान हो जाता है। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था कि इट मींस कि दुनियावी टूल्स के अलावा स्पिरिचुअल एनहेंसमेंट भी बहुत ज़रूरी है, हैं जी, टू फैसिलिटेट द किड्स, बच्चों को सहूलत मुहैया करने के लिए कि उनका माइंडफुली। वहाँ से जब मैं शुरू हुआ तो फिर चोपड़ा था, फिर वेन डायर था, ये सारे लोग थे, फिर दुनियावी जो मोटिवेटर्स हैं, एंथनी रॉबिन्स हो गया, कोवे हो गया, ये लोगों को मैंने स्टडी किया, अप्लाई किया, फिर रिच डैड पुअर डैड को किया, वो ये दुनियावी बातें थी। लेकिन वहाँ पे चूँकि हिंदू कम्युनिटी बहुत थी, सिख ईसाई बहुत लोग थे, मैंने उनके सूफिया को मिलना, उनके साथ प्रैक्टिस करना शुरू किया, जो मेरे लिए बहुत मुफीद साबित हुआ। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, जो आपने बताया कि बच्चों को पुरसकून करने के हवाले से, तो ये कंटेंट कहाँ पे मिल सकता है, या इसमें से कोई एक या दो एक्सरसाइज अगर आप शेयर करना चाहें तो मुख्तसर? जी अली भाई, मैं जितने भी असातज़ा हैं और जितनी भी माएँ हैं, क्योंकि पहली उस्ताद जो है माँ होती, फिर बाप है, दादा दादी नाना नानी, फिर स्कूलिंग शुरू होती, मैं एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने भी टीचर्स माएँ मिलती हैं, मैं उनको एक ही बात कहता हूँ, जब भी बच्चा को अच्छा काम करे उसको लॉक करो। फ़र्ज़ किया एक बच्चे ने गिलास उठा के ले गया, एक टेबल पे दूसरी टेबल पे रखा है, इस सक्सेस को लॉक करो। कैसे करें? ताली बजाओ, इनाम दो, ये लॉक हो गया, ये उसकी ट्रेनिंग होगी टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन पहला काम हो गया, और एप्रिसिएशन के बाद फिर उसको कुछ मिल गया तो वो दूसरा ये हो जाता है कि अच्छा आगे बढ़ने के लिए ये भी तरीका अच्छा। तो ये पहली टेक्नोलॉजी थी। फिर मैंने माओ को ये कहा कि बच्चे को पढ़ाने से पहले देख लो बच्चा बहुत भूखा ना हो, मसालेदार ग़िज़ा ना खाई हो बच्चे ने, बच्चे की नींद पूरी हुई हो, और उसको पढ़ाना मत शुरू करो, उसको पढ़ाने के लिए तैयार करो। आज मेरा बच्चा जो है ना एडिशन करके ही छोड़ेगा, मेरा बच्चा टेबल कर लेगा आज, तो फिर हम लोग ना फिर मज़ा करेंगे, बाग में सैर करेंगे। माइंडसेट इस तरह बनाएं, उसके माइंड को पुरसकून करने के लिए आपने उस बच्चे की, हर बच्चे की नफ्सियात थोड़ी डिफरेंट होती, तो अगर ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाए अप्रिसिएशन लेवल पे, बच्चे ने अगर पहली पिकअप ले ली, दूसरी पिकअप लॉक कर ली, 15% 16% आपकी सक्सेस रेट हो गया ना पॉजिटिविटी लॉकिंग का, तो फिर आपको कोई काम नहीं करना पड़ता, बच्चा खुद अपने लिए ताली बजाता है। सर, आखिर में यूथ को और जो पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम जो लोग चला रहे हैं, उनको आप क्या एडवाइस देंगे कि वो अपने एजुकेशन सिस्टम को कैसे बेहतर करें, और जो हमारी नौजवान नस्ल है वो अपने आप को कैसे बेहतर कर सकते हैं? अली मियां, सबसे पहली बात पता क्या है? सबसे पहली बात यह है कि वो एक प्रोसेस ऑफ सक्सेस है, जैसे कासम अली शाह साहब करते हैं, आप दोस्त सारे कर रहे हो, ये एक अच्छा काम है, आप उस रास्ते की निशानदेही कर देते हैं जिस पे चल के स्टेप वन से लेके फाइनल अचीवमेंट तक चलते हैं, गोल सेट करते हैं आपके उसके, ये काम बहुत बड़ा हो रहा है। मैं हमेशा एक किताब रिकमेंड करता हूँ, आप दोस्त भी जो हैं वो करते हैं, थिंक एंड ग्रो रिच, ठीक है, ये थिंक आउटसाइड ऑफ द बॉक्स, ये मेरी ट्रेनिंग्स में पहली ट्रेनिंग होती। सर, कासिम अली शाह साहब की फाउंडेशन और उनके काम को आप कैसे देखते हैं? ये एक बहुत अच्छी इब्तदा थी, कासिम भाई को अल्लाह ने चंद चीज़ों से नवाजा है, कुछ अल्लाह की तरफ से नवाजशें होती हैं, नाम बहुत खूबसूरत है, शक्ल बहुत खूबसूरत है,
और मुझे उनके ट्रेनिंग मीडिया का अभी तक नहीं पता, मैं उन ये नहीं खोज सका, लेकिन उनके ट्रेनिंग मीडिया में वो लोग हैं जो अल्फाज के चुनाव में जिन्होंने इनको बहुत परफेक्ट किया है। जो लफ्ज़ कहीं पे नगीने की तरह लगता है, कासिम उस लफ्ज़ को वहीं पे लगाता है। अच्छा, उसका फ़ायदा ये होता है कि वो लफ्ज़ अपनी कीमत हासिल कर लेता है। कासिम के काम ने बहुत सारे लोगों, मैं चूँकि अब इस वक्त वर्ल्ड वाइड घूमना फिरना मिलना गिलना वो है उसमें है, तो कासिम का नाम मोटिवेशनल स्पीकर्स और काउंसलर्स में एक बड़ा नाम है। बहुत बहुत शुक्रिया सकलैन मलिक साहब, आपने हमारे लिए टाइम निकाला, आपने इतनी खसूसी गुफ्तगू की, उसमें बहुत कुछ सीखने को मिला। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि इस इंटरव्यू से आपको बहुत फ़ायदा हुआ होगा और आपकी ज़िंदगी में एक पॉजिटिव चेंज लाजमी आएगी। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।